वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज योर होस्ट चयन शर्मा और आज हमारे साथ है दी ऑल न्यू होंडा सीबी 300F 2024 वेरिएंट और ये कलर खड़ा है हमारे साथ दी मैट ब्लू। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है यार। तीन कलर वेरिएंट्स में ये बाइक आती है, ब्लू, रेड और ब्लैक में, लेकिन पर्सनल फेवरेट और रोड पे ना ये कलर आपको बहुत ज्यादा एक रोड प्रेजेंस देने वाला है एंड बहुत ब्यूटीफुल ये मोटरसाइकिल लग रही है। दी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 300cc मोटरसाइकिल तो ये है ही। मेरा पिछला व्लॉग में आप देख सकते हो कि मैंने इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन दी है। तो आज मैं बात करूंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ इस बाइक के बारे में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पे आपको LED यूनिट देखने को मिल जाता है, LED टर्न लाइट्स देखने को मिल जाती है, वाइजर का कोई जगह नहीं है यहाँ पे, तो विंड ब्लास्ट तो काफी आने वाला है इस बाइक के साथ। देन दीज आर द मिरर्स, जो कि इसके बारे में मैं आपको बाद में बात करूंगा। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज जो अट्रैक्टिव है दैट इज द गोल्डन सस्पेंशन, अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिल जाते हैं, तो जो डैम्पिंग क्वालिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। मैट फिनिश में ही आपको फ्रंट यहाँ पे मड गार्ड देखने को मिल जाता है, मैट एंड ब्लैक का मिक्सचर है, काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है एंड फ्रंट से बाइक काफी अपीलिंग है। देन कमिंग टू द साइड प्रोफाइल ऑफ द बाइक, यहाँ पे आप देख सकते हो सिल्वर कलर में, ग्रेश कलर है एक्चुअली। यहाँ पे आपको टैंक शाउड मिल जाता है, शार्प है, सीबी 300F की बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है, तो ओवरऑल लुक काफी ज्यादा इससे एनहेंस हो जाता है। यहाँ पे गोल्डन क्रोम कलर में आपको यहाँ पे कॉपर कलर में एक्चुअली आपको यहाँ पे इंजन का वो देखने को मिल जाता है, तो छोटे छोटे एलिमेंट्स पे ध्यान दिया गया है कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। देन साइड में ये जो एग्जॉस्ट है कॉम्पैक्ट एग्जॉस्ट है, तो ओवरऑल ज्योमेट्री के साथ काफी अच्छा यहाँ पे जाता है। देन सस्पेंशन जो है आपको मोनोशॉक यहाँ पे देखने को मिल जाता है, नीचे है। साइड में आप यहाँ पे आओगे तो जिस तरीके से लाइनिंग है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे शार्प डिजाइन दिया गया है, तो बाइक काफी ज्यादा एक अपीलिंग हो जाती है। रेयर में यहाँ पे जो आपके ग्रैब रेल्स आ जाते हैं ये सेम यहाँ पे ग्रेश कलर में आ जाते हैं। आप नाउ कमिंग टू द रेयर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। देन दिस इज द फेंडर LED इंडिकेटर्स, दिस इज द नंबर प्लेट होल्डर एंड यहाँ पे टायर अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा तो गंदा थोड़ा सा हो सकता है, बट यही इसकी स्पोर्टीनेस भी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे छोटा सा एक है जिसकी वजह से अंदर को आपकी मिट्टी वगैरह नहीं आएगी। साइड में आपके यहाँ पे साड़ी गार्ड आ जाता है जो कि प्लास्टिक का है और फ्रेमिंग जो करी गई है वो बहुत ज्यादा प्यारी लगती है यहाँ। नाउ कमिंग टू द इंजन, इसके अंदर आपको 294cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 24 BHP एंड 25 Nm ऑफ टॉर्क। कम्स विद 6-speed गियरबॉक्स दैट हैज स्लिपर एंड असिस्ट क्लच एज वेल। होंडा का टॉर्क सिलेक्टर भी इसके अंदर आ जाता है, तो आपकी जो ट्रैक्शन कंट्रोल वाली चीज है वो भी इसके अंदर इक्विप्ड है। बाइक की ओवरऑल डिलीवरी जो है पावर की वो काफी ज्यादा बढ़िया है। हाँ, 300cc सेगमेंट के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि पावर थोड़ी सी कम है अगर आप बाकी कॉम्पिटिटर से 300cc कॉम्पिटिटर से अगर आप चेक करोगे, बट अदरवाइज इस मोटरसाइकिल का जो मोटिव है दैट इज कॉम्यूटिंग। ये आपकी स्पोर्ट्स सेगमेंट में नहीं आती कम्प्लीटली, बट इसको कॉम्यूटिंग सेगमेंट में रखा गया है, उसी की वजह से इसकी अगर मैं वेट की बात करूँ तो 153 kg इसकी बाइक है, लाइट वेट है, तो सिटी मैन्यूवरिंग में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। नॉट टॉकिंग अबाउट द सीट हाइट, सबसे पहले यहाँ पे जो सीट है वो आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। इतना भी नहीं कि आपको सिंगल सीट दे दिया है कॉम्यूटर के हिसाब से, तो स्पोर्टीनेस भी साथ साथ क्रिएटेड है। 5'9" मेरी हाइट है, तो भाई अब स्टांस देख सकते हो कि मेरा जो स्टांस यहाँ पे बन रहा है कितना ज्यादा यहाँ पे, मतलब बहुत मेरे को ईजी लगेगी। पैर देखो मेरे इजीली नीचे पहुंच रहे हैं एंड आपको ओवरऑल जो है कमांडिंग पोस्चर देखने को मिल जाता है। वाइड हैंडल बार है, तो आपके सिटी मैन्यूवरिंग वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो सस्पेंशन की बात करें, फ्रंट में आपको USB सस्पेंशन मिल जाता है गोल्डन कलर के, रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है, तो सस्पेंशन की जो क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है। USB जो है वो आपके कॉर्नरिंग करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं बाइक की काफी एनहेंस हो जाती है। डिस्क की अगर बात करें, फ्रंट में आपको 276mm की डिस्क देखने को मिल जाती है, रेयर में 220mm की डिस्क मिल जाती है, दैट कम्स इक्विप्ड विद ड्यूल चैनल ABS, तो ब्रेकिंग कंपार्टमेंट को भी होंडा ने काफी अच्छे से ध्यान रखा है, इवन दो दिस इज मोर कॉम्यूटर फ्रेंडली। टायर को अगर बात करें, यहाँ पे फ्रंट में आपको 110 सेक्शन का टायर मिल जाता है, रेयर में 150 सेक्शन का टायर मिल जाता है, जो कि मतलब अगर आप देखो तो आपको ब्रॉड टायर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो ओवरऑल ग्रिपिंग आपकी टूरिंग वाइज या सिटी वाइज आपको काफी ज्यादा बेटर मिल जाएगी। MRF के आपके ग्रिपिंग्स आ जाते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी जो है टायर की दैट इज डिसेंट। नाउ लेट्स चेक आउट द स्पीडोमीटर ऑफ दिस बाइक, तो यहाँ पे दिस इज द की, बेसिकली ये आपको की यहाँ पे देखने को मिल जाती है, होंडा की बहुत ज्यादा फैंसी नहीं है खैर, एंड टैंक के ऊपर ही आपकी की लगती है। दिस इज एंड दिस इज द सेम स्पीडोमीटर विच इज ऑफर्ड ऑन दी होंडा CB300R, सेम यूनिट है, डिजिटल यूनिट है नेटिव डिस्प्ले के साथ, जिसपे आपको यहाँ पे RPM मीटर देखने को मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, फ्यूल गेज, स्पीड, टाइम, देन यहाँ पे एवरेज वगैरह और किलोमीटर्स देखने को मिल जाते हैं। देन ये जो बटन्स है यहाँ पे, यहाँ से आप इसको नेविगेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर भी आपके दो बटन्स दिए गए हैं जहाँ से आप नेविगेट कर सकते हो, तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ट्रिप ए आता है यहाँ पे, ट्रिप बी आ जाता है, देन टोटल किलोमीटर्स आ जाते हैं, या दैट्स इट। एंड जो नीचे वाला बटन है उससे आप सेट कर सकते हो
यहाँ से अगर आप देखोगे तो इधर आप ऊपर नीचे अगर आप करोगे तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये चेंज होगी। यहाँ पे आपका टोटल किलोमीटर आ जाते हैं, बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है, एवरेज आपकी आ जाती है कि 4। अभी तो नई बाइक है तो भाई ज्यादा एवरेज वगैरह नहीं दे रही है। सो या दिस इज द ओवरऑल ऑल यूनिट। यहाँ पे ये आपके बटन्स है, छोटे से बटन्स है एंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बट जब ये यूनिट आपका आ जाता है तो आपको काफी अच्छा सा लगता है कि यार इधर एक बटन का यूनिट आ जाता है और काफी एक प्रीमियम सी बेसिकली एक चीज आ जाती है। यहाँ पे पास बटन है आपका, हॉर्न है, इंडिकेटर आपका यहाँ पे दे रखा है नीचे की साइड। नाउ इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके इंजन का किल स्विच आ जाता है, यहाँ पे हैजार्ड लाइट का भी ऑप्शन आपके पास आ जाता है जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। खैर आजकल सारी ही कंपनी देने लगी है, नीचे ही आपका इग्निशन का वो है। तो ओवरऑल दिस इज द डैश लुक। यहाँ पे आपके रेयर व्यू मिरर्स हैं इस तरीके से प्लेस्ड है, बहुत ज़्यादा अभी व्यू अच्छे ये प्रोवाइड नहीं करते, मैं कहूँगा ये चीज़ बेटर हो सकती थी, खैर पर इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ कमिंग टू द फ्यूल टैंक, यहाँ पे आपको 14 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है जो कि रिटर्न कर देता है आपको 30-35 KMPL की एवरेज। E20 कंपैटिबल है तो जो नई फ्यूलिंग है वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। भाई BS6 है अब तो सारे E20 कंपैटिबल ही आ रहे हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द होंडा CB300F। तो सबसे पहले प्रोज से शुरू करते हैं, तो भाई मेजर प्रो जो है इसका दैट इज द प्राइस पॉइंट, 1.98 लाख ऑन रोड के साथ ये बाइक जो है वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 300cc मोटरसाइकिल बन जाती है एंड द चीपेस्ट 300cc इन द इंडियन मार्केट एज वेल। एंड उसके हिसाब से आपको जो सेकेंड प्रो है दैट इज द 300cc इंजन होंडा का, एक तो आपको इंजन मिल जाता है, रिलायबिलिटी उसके साथ भाई फ्री में ही ऑफर होती है, एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको मिल जाती है 6 ईयर्स और 10 ईयर्स वो आपके पास ऑप्शनल होता है। देन इसका जो इंजन परफॉर्मेंस है 24 BHP है, डिसेंट है, कम्यूटिंग के हिसाब से इट इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से। देन द थर्ड प्रो विल बी द सीट्स, ये जो सीट है आपकी बिकॉज ये मोटरसाइकिल कम्यूटर बेस्ड है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको लॉन्ग टूरिंग वगैरह करने में इस बाइक के साथ काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फोर्थ प्रो विल बी द ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, इसके साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है तो जो भी आपके फोन के नोटिफिकेशन वगैरह होते हैं वो सारी चीजें आपके पास आ जाती है। उसी के साथ इसके अंदर आपको हैजार्ड लाइट वगैरह भी मिल जाती है तो वो अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास बहुत एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। फिफ्थ प्रो इज द ऑल LED यूनिट लाइट, मतलब अगर आप देखोगे इस सेगमेंट के अंदर अगर R15 को भी आप देखो उसके अंदर आपको हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं बट इसके अंदर आपको सारे कंप्लीट LED यूनिट देखने को मिल जाता है जो कि बहुत एक अच्छी ऑफरिंग हो जाती है कंसिडरिंग कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये ऑफर हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ द होंडा CB300F। सबसे पहला कॉन जो है दैट इज द वाइब्रेशन, एक्चुअली इंजन के अंदर बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट नहीं ऑफर करी गई है, थोड़े से वाइब्रेशन है एंड वो जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं ये जो एक्सटेंडेड पैनल वगैरह है इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत महसूस होने वाला है। रिफाइनमेंट पे होंडा वर्क कर सकती है, मतलब ये मेरे को कहना पड़ रहा है कि भाई होंडा की बाइक रिफाइन नहीं है, मतलब ये एक काफी डिसग्रेस होगा होंडा को बोलना, बट एक्चुअली में 300F इज नॉट अ वेरी रिफाइंड मोटरसाइकिल। नाउ द सेकंड कॉन इज द डिजाइन, ये मोटरसाइकिल जो है बिकॉज कम्यूटर फ्रेंडली है तो डिजाइनिंग बहुत ज्यादा इसके अंदर कोई भी एग्रेशन या आपको आउटस्टैंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, बट शार्प एलिमेंट्स इसको थोड़े से आपको अलग कम्यूटिंग सेगमेंट में आपको थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करवा सकते हैं, बट ओवरऑल डिजाइन भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकता है इसका। थर्ड कॉन is that the engine is underpowered. चलो 300cc हमने मान लिया, commuter segment हमने मान लिया, लेकिन अगर आप 24-25 BHP को देखो वही चीज आपको 200cc motorcycles में offer हो जाती है। And ये जो engine है ये actually Honda 300R का है और वो जो motorcycle है वो 30 BHP produce करती है। यहाँ पे engine को compromise करा गया, power उसकी कम करी गई और commuter segment को target करा गया है इस bike के साथ। तो मेरे हिसाब से यार जब सब कुछ सही ही था आप उतनी पावर या थोड़ी और ज्यादा पावर इसके साथ ऑफर कर सकते थे, बट दिस इज द होंडाज डिसीजन। सो दिस वाज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ द होंडा CB300F, प्रोज एंड कॉन्स सारे आपको बता दिए। क्या चीज आपको इसकी अच्छी लगी, क्या आपको बुरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और अगर मैं कोई चीज मिस आउट कर रहा हूँ वो भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो द गियरहेड ऑफिशियल और नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।